हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, सीटेट जुलाई 2023 से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आज 23 मई 2023 को आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमारा फॉर्म गलती हो चुका है, क्या हम सेंटर चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, सीट बढ़ने का वेट कर रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके फॉर्म 27 अप्रैल से 26 मई तक भरे जाएंगे और 26 मई के बाद आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो ज़रूर भर ले। आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, फ़ीस सबमिट करने की, वो आपकी 26 मई तक है। कोई ऑफलाइन चालान जो है अपनी फ़ीस सबमिट करता है उससे, तो 29 मई उनकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आपकी करेक्शन डेट जो है 29 मई से लेकर के 2 जून तक रहेगी। अगर आपका फॉर्म गलती भर गया है, नाम, एड्रेस, कुछ भी आपका गलती भर गया है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं 29 मई से लेकर के 2 जून तक। 2 जून के बाद आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं होगी। और एक बात आपको पहले ही बता दूं कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर, अगर आपने जो भी डाला है, जिस भी सिटी का डाला है, उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपने एक बार सेंटर डाल दिया है आपका वही रहने वाला है। और आपका ये भी कमेंट आ रहा था कि सीट बढ़ेंगी या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके सेंटर है, जैसे आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 27 अप्रैल से, तो लगभग 28 या 29 यानी 1 या 2 दिन के बाद आपके सीट जो है वो फुल हो चुकी है आपकी सिटी में, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो है एक्टिव थे, जैसे वाराणसी के, प्रयागराज के, कानपुर के, इस तरीके के जो सेंटर है वो 1 या 2 दिन के बाद फुल हो गए थे, तब से वहाँ पर सीट नहीं बढ़ी है। अगर आपकी सीट बढ़ती है तो आप कल तक वेट करिए, यानी लास्ट डेट से 2 दिन पहले तक उम्मीद होती है कि सीट बढ़ सकती है। अगर कल 24 मई तक आपकी सीट नहीं बढ़ती है तो आप दिल्ली जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर डाल के अपना फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में 1 या 2 दिन रह जाएगा, आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाएगी, CBSE की वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, फिर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली भी नहीं डाल पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। तो दोस्तों, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पर आप बुक देख पा रहे हैं। ये सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर की बुक अवेलेबल है इस पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेगी अगर आप इनसे बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। गाइड भी अवेलेबल है जिसमें बाकी सभी सब्जेक्ट एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सैंपल देख पाएंगे, संस्कृत का दिया गया है, बाकी सभी विषय भी अवेलेबल है, CDP हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, गणित हो, सारे के सारे सब्जेक्ट है ये। यहाँ पर देख पाएंगे पहले चैप्टर की पूरी डिटेल दी गई है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर गिवन है। ये बुक आपको आपके नज़दीकी स्टोर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। एक ऑफिशियल नोटिस और आया है KVS की तरफ से, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अभी अभी ये नोटिस जो जारी किया गया है लाइब्रेरियन पोस्ट को लेकर के, जो इनके इंटरव्यू है वो पहले निर्धारित किए गए थे केंद्रीय विद्यालय AFS ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम, यहाँ पर जो है इनके इंटरव्यू शेड्यूल किए गए थे। अब उसको चेंज करके केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में कर दिए गए हैं। जो आपका न्यू वेन्यू है, आपके एडमिट कार्ड पर जो न्यू वेन्यू आएगा वो ये वाला आएगा, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा में आपका भी इंटरव्यू होने वाला है। जितने भी KVS के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का भी इंटरव्यू न छूटे। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जल्दी ही उसका भी रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।